पता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद लोकसभा की विधानसभा क्षेत्र सिरसागंज के नगला अतिया में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सर्वेश यादव का जोरदार स्वागत सम्मान किया। साथ ही साथ ग्रामीण वासियों ने उनका समर्थन किया और भारी बहुमत से विजयी दिलाने का भरोसा जताया। बताते चलें, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सर्वेश यादव अपने काफिले के साथ डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें लोगों के पैर छूकर अपने समर्थन में मतदान करने की अपील कर रहे हैं और लोगों को भरोसा दिला रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो किसानों की हर समस्या को दूर करेंगे। हमारे जो पार्टी की नीति है, जो विकास कार्य का वादा कर रहे हैं, हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कृषि के लिए ट्यूबवेल की बिजली फ्री देंगे, राज कर्मचारियों के पेंशन वाली वाली मुद्दा है और जितने लैपटॉप पेंशन वृद्धा विधवा सारी स्कीम और योजना पार्टी की लेके हम जा रहे हैं। आप ही के पार्टी के एक बागी होकर दूसरी पार्टी में चले गए, उनको लेकर आपकी क्या तैयारियां और किस प्रकार से आप उनको लुभाने का काम करेंगे, उनके वोटों को लुभाने का काम करेंगे, कैसे अपना बहुमत साबित करेंगे? हम अपनी पार्टी की नीति और पार्टी की सिद्धांत और नेता की नीतियों के आधार पर लोगों के जा रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के मुद्दे को लेकर नहीं जा रहे। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है फिरोजाबाद लोकसभा की विधानसभा क्षेत्र सिरसागंज में। नुनियाने विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और नुनियाने विधानसभा क्षेत्र का गांव अतिया पड़ता है। यहां जानते हैं आखिर गांव वाले किसको समर्थन करना चाहते हैं, क्या समाजवादी पार्टी का वनवास खत्म करेंगे या 3 दशक के बाद कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी, क्या विकास कार्यों को लेकर फिर से भाजपा सरकार बनाएगी। हमारे साथ मौजूद है गाँव के लोग, उनसे जानते हैं आखिर उनके मन में क्या है, उनका मूल भाव से है। बाबूजी, आपकी बात कितनी सरकार बनाएंगे आप? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी हमारी वासी। समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों पर और किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ती है और ये तो केवल जुमलेबाज पार्टी है और जो कुछ कहती है कुछ करती नहीं है। आज बेरोजगारी किसानों को इतनी वो पड़ रहा है, किसान जो मार 700 किसान मारे गए मर गए और कोई सुनवाई नहीं हुई। MSC पे इतना बो रहा और कोई भी नीति, बेरोजगार बच्चे इतने फिर रहे हैं, महंगाई इतनी हो रही है और अखिलेश केवल किसानों के नेता अखिलेश ही हैं और भारतीय जनता पार्टी कभी। मेरा नाम सुकेश कुमार है, मैं नगला अतिया गांव का रहने वाला हूं, सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र हमारा। तो एक तो भिखारियों की तरह बांट रहे हैं वो, ताकि पहले तो मनमोहन सरकार से स्टार्ट था, ये तो अपने ये लुवाने के लिए किया है। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरा ही पाक है। हर एक चीज पे टैक्स लगा रखा है, इतनी महंगाई, GST, मतलब किस चीज पे, डीजल पेट्रोल पे इतनी महंगाई हो रही है, जनता त्राई त्राई मच रही है। ट्रैक्टर 900 रुपए चल रहा है जनता का, किसान नहीं, किसान इतना मजबूर है कि कुछ कह नहीं पा रहा है सरकार से। सरकार को जनता ऐसी ऐसा ध्वस्त कर देगी इस BJP सरकार को, तो कभी याद कर रही सरकार करे। हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, अखिलेश यादव को वोट करेंगे। समाजवादी पार्टी में ऐसा था कि मतलब जो ये गाय जो भागी है चारों तरफ ना, खेत को नुकसान पहुंचा रही है, वो नहीं था। देखते रहिए TV भारती समाचार, नजर हर खबर पर।